हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। सिटी सेंटर 2 पहुंच गए हैं फिर से शॉपिंग करने के लिए। लास्ट ब्लॉग पे भी आपने देखा था कि मैं शॉपिंग कर रही थी और इस ब्लॉग पे भी शॉपिंग कर रही हूँ। ऐसे एक दो ब्लॉग आपको देखने मिलेगा शॉपिंग करने वाला, क्योंकि अभी शादी का टाइम चल रहा है ना, इसलिए देन यहाँ से कुछ ज्वेलरी और क्लॉथ, समर का क्लॉथ शादी के लिए लूँगी। आदि पीछे देख रहा है कि मम्मा है या नहीं, देखा कि मैं हूँ फिर ऊपर जा रहा है। कल घर जाएंगे तो आज जितना जल्दी होगा यहाँ पे काम ख़त्म करके जल्दी घर वापस चले जाएंगे, फिर सुबह उड़ीसा के लिए निकलेंगे। और सिटी सेंटर में जो हमारा फास्ट काम है कि उसको गाड़ी पे बिठाना, वो गाड़ी देख लिया है। हमारा घर के पास नियरेस्ट मॉल है CC2, इसलिए जब भी जो चीज़ चाहिए हम लोग CC2 पहुंच जाते हैं। बाय कार 15-20 मिनट लगता है CC2 पहुंचने पे। और लास्ट ब्लॉक पे मैंने कपड़ा ले लिया था उसकी मैचिंग करके, कुछ भी ज्वेलरी नहीं लिया था। यहाँ पे देखूँ कि ज्वेलरी कुछ मिल जाए तो ठीक है। CC2 से आने के रास्ते पे वाटरमेलन का ठेला दिख गया तो हम लोग लेके आ गए थे, और घर आके मैं काट रही थी, आदि ने देख लिया। आदि को मैं एक दो स्लाइस दिया बट उसने नहीं लिया, उसको पूरा प्लेट चाहिए। फिर मैं पूरा प्लेट लेके फ्लोर पर रख दिया है, देखिए खा रहा है और सारे वाटरमेलन एक एक करके टेस्ट कर रहा है। चलिए ये खाता रहेगा। एंड इस साइड मैं लंच का प्रिपरेशन कर रही हूँ, दाल चावल और फिश फ्राई। ये हिलसा फिश, ये मार्केट से लेके आए थे आने के टाइम ही। ये है हमारा लंच का मेनू आज का। शाम का टाइम है एंड हम जा रहे हैं ज्वेलरी शॉप, जिनकी शादी है उनकी शादी के लिए ही गिफ्ट लाने जा रही हूँ। बहन का शादी थोड़ा लेट पे है, फिर आ गई हूँ तो दोनों के लिए ही गिफ्ट ले लेती हूँ। देन पहुँच गए हैं हमारे ज्वेलरी शॉप पे। यहाँ पे तो गोल्ड का कुछ भी पसंद नहीं आया मुझे, बट डायमंड का कलेक्शन बहुत बढ़िया है। और हमारा जो रेंज है उसके अंदर डायमंड का बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट मिल जा रहा है, इसलिए सोच रही हूँ कि डायमंड का ही दे देती हूँ, क्योंकि गोल्ड से बेटर है कि डायमंड गिफ्ट करूँ। शॉपिंग के बाद हमें ये गिफ्ट मिला है, मैं तो एक्साइटेड हूँ, गाड़ी पे ही खोल रही हूँ। ये चॉकलेट है, बॉक्स इतना सुंदर सा था मुझे लगा क्या है इसके अंदर, इसलिए एक्साइटेड होके खोल रही थी। घर जाने के रास्ते पे मेला हो रहा था तो हम आ गए हैं मेले पे। एंड इस मेले पे ना हैंडक्राफ्ट मींस जो चीज़ घर पे बना के बेचते हैं उस टाइप का शॉप बहुत है, और बहुत सुंदर सुंदर सामान भी यहाँ पे मिलता है। एवरी ईयर ये मेला होता है, और हम घर से वापस आने तक ये नहीं रहेगा, तब तक ख़त्म हो जाएगा मेला, इसलिए हम लोग चले आए।
बस निकल रहे हैं। हो गया हमारी खरीदारी, बहुत कुछ खरीदारी कर लिए, अभी घर जा रहे हैं, रात भी हो गया है। आदि ने मेला से टॉय लेके आया है। आदि, सोमी और टॉयज दोनों पिंक वाला ही टॉय लेके आया है। ये जो पिंक कलर का एरोप्लेन एंड ये पिंक कलर का मिकी माउस, ये दोनों लेके आया है। रात 9 बज गया, हम लोग शॉपिंग करके आए और फिर सुबह निकलेंगे उड़ीसा के लिए। इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है हमारा, बोलिए मत। अभी पैकिंग भी नहीं हुआ है, अभी पैकिंग करूँगी फिर जाएंगे कल। पैकिंग करने के लिए दूसरे रूम आ गई हूँ। उस रूम पे आदि सोया था, इसलिए स्लोली बात करनी पड़ रही थी। देन यहाँ पे मैं शुरू करूँगी मेरी पैकिंग। सुबह के लिए कुछ नहीं रखूँगी, सारे पैकिंग रात को ही कर दूँगी। गुड मॉर्निंग गाइज, ये है नेक्स्ट डे का मॉर्निंग। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ ब्रेड और दो एग था, वही सैंडविच का टाइप का। एक सैंडविच, प्रॉपर सैंडविच तो नहीं है, उस टाइप का ही कुछ बना रही हूँ। और कल मैंने रात को ही पैकिंग कर दिया था, कुछ नहीं रखा था सुबह के लिए, क्योंकि सुबह मुझे पता था कि टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए रात को ही रख दिया था। और ऐसे ही देखिए मैंने बना दिया है एग और ब्रेड पे सैंडविच, और इसको हम लोग खाएंगे। देन आदि का खाना हो गया है और हम लोग रेडी होंगे फिर निकलेंगे। हमारा सारा काम हो गया है, ऑलमोस्ट डन। और मेरा दो बैग हुआ है, एक आदि का और एक मेरा, दो शोल्डर बैग, इसको लेके जाऊंगी। देन आ गई हूँ गाड़ी पे। तपन डिक्की पे सामान रख रहे हैं, मैं मेरा जो छोटा मोटा सामान है उसको मैं पास ही रख रही हूँ, जैसे आदि का खाना, वाटर बॉटल, मेरा बैग, उसको साइड पे रख रही हूँ। ये दक्षिणेश्वर ब्रिज है, हम सिटी क्रॉस करके आ गए हैं। एंड इस ब्रिज से दक्षिणेश्वर मंदिर दिखता है। मैंने वीडियो नहीं किया क्योंकि ब्रिज की बाउंड्री जो राइट साइड पे है उस वजह से ठीक से वीडियो नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने नहीं किया। और इतना भीड़ रहता है इस मंदिर पे, रोज़ रहता है। और गंगा के किनारे है ये मंदिर, और न्यू ईयर पे इतना भीड़ रहता है, लोग पूरा ब्रिज के ऊपर से मंदिर तक लाइन लगाते हैं माँ काली के दर्शन के लिए। हम यहाँ पे रुके हैं खाना खाने के लिए, कुछ टाइम रेस्ट भी ले लेंगे। और आदि को भी मैं खिला लूँगी यहाँ पे, वो भी नहीं खाया है, उसको खिलाऊँगी। गया हमारा गर्मा गर्म हक्का नूडल्स एंड मशरूम सूप। तपन यूके पे इतना मशरूम खाए फिर भी शांति नहीं मिला, बोल रहे हैं कि मुझे मशरूम सूप लेना है। एंड आदि को उसका खाना नहीं खाना है, उसको नूडल्स खाना है, इसलिए तपन उसको खिला रहे हैं। वो हाथ लगा रहा था तो तपन खिला रहे हैं उसको नूडल्स। से भूख लग गया था यहाँ पे आगे, और आदि भी थोड़ा खेलेगा गाड़ी पे बैठ बैठ के, बोर हो रहा था। और तपन भी थोड़ा रेस्ट लेंगे और हम खा रहे हैं, आदि थोड़ा खेल रहा है। और भी 100 किलोमीटर है घर पहुँचने, 7 बजे है, रात हो जाएगा। यहाँ से जितना जल्दी होगा उतना जल्दी निकल जाएंगे। खाना ख़त्म हो गया, आदि थोड़ा घूम रहा है पार्क में, और
दो तीन मिनट के बाद हम लोग निकलेंगे। तो अपन गाड़ी पे कुछ सामान सारे रख रहे हैं। पूरा रात हो गया है। हमारा टारगेट था कि हम लोग 7 बजे तक पहुंच जाएंगे, थोड़ा लेट हो गया। और भी हाफ एन आवर है और ये लास्ट टोल है, उसके बाद हाफ एन आवर, देन NH से फिर घर जाने के लिए वो भी 15-20 मिनट लग जाएगा। फाइनली पहुंच गए हैं और मेरा गला बैठ गया है। एंड इस ब्लॉग को मैं ही पेंट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। एंड न्यूली विजिट कर रहे थे मेरे चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।